का ये पजल जो कि फुटबॉल लॉक पजल है क्यूब लोलो से, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जल्दी से इसको खोलते हैं और देखते हैं इस पजल में क्या है। तो आई गेस इसमें सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे नहीं। तो ये पजल है इंटरलॉक पजल, इसमें टोटल 6 पार्ट है जो कि सेपरेट तो नहीं होने वाले डायरेक्टली, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इनमें से कोई तो पजल है जो स्लाइड होगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म अंदर से अलग है बाहर से अलग है। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। तो पहले हम टाइमर लेते हैं, अगर इज्जत का फल दो हो तो मैं एडिट कर लूँगा। कहीं से भी हिल नहीं रहा, सभी साइड से टाइट है। यहाँ से थोड़ा हिल रहा है, कुछ क्लू नहीं मिल रहा मुझे अभी कि ये कैसे ओपन होने वाली है। सभी साइड को मैंने इसे पुश करके देखा, मुझे लगा स्लाइड होगा किधर, तो लेकिन ये नहीं हो रहा स्लाइड। एक एक को मैं पुश करके देखता हूँ कोई पुश हो रहा है कि नहीं, ये तो नहीं हो रहा। यहाँ से थोड़ा लूज लग रहा है मुझे, देखो तो इसको अगर मैं आगे पुश करूँगा तो टाइट हो जाएगा, मतलब ये निकलेगा नहीं, इसके चांसेस बनेंगे। तो इसको भी थोड़ा आगे पुश करता हूँ और फिर इसको, थोड़ा बहुत तो हिल रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ से हिल रहा है भाई। कुछ क्लू नहीं मिल रहा मुझे अभी, मुझे लगा इजी होगा, बहुत दिखने में इजी लग रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा गैप दिख रहा है, तो यहाँ से कुछ तो क्लू तो मिलना चाहिए था, कुछ तो क्लू मिलना चाहिए था। अच्छा मिल गया, तो ये कुछ इस तरह से स्लाइड हुआ अभी जस्ट आपने देखा। मैंने कुछ इसको आगे पुश करना था, कर रहा था, हम सोच रहे कि ये ऐसे निकलेगा इस एंगल से, लेकिन ये क्रॉस निकलता है, तो इसको हमें भी ऐसे क्रॉस में स्लाइड करना है। तो देखो ये स्लाइड हो रहा है अभी, एंड अभी इसको वापस लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको क्रॉस में स्लाइड किया था, इसको बीच में होल्ड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल था लेकिन समझ में नहीं आया, बहुत टाइम लगा। तो मुझे लगभग 2 से 2.5 मिनट लगे, मैंने देखा नहीं कितने टाइम में मैंने किया, थोड़ी कमेंट्री भी की तो उसमें भी थोड़ा टाइम गया। तो अभी इसको लगाना भी अलग टास्क, अगर आपको इसको बनाना नहीं आता इस पजल को तो आप इसको लगा भी नहीं सकते। तो ये इसका एक डिफिकल्ट टास्क होता है, इसको वापस लगाना। तो जैसे हमने स्लाइड किया था वैसे स्लाइड करते जाना। तो बड़ी मेहनत के बाद दो हाथों में इसे पकड़ा है इसको, अभी इसको वजह से इसको स्लाइड करना है जैसे कि मैंने क्रॉस में किया था। तो इसको सिर्फ क्रॉस में स्लाइड करना है, तो ये पोजीशन में रखना जैसे कि ये इसके ऊपर रखेगा, यहाँ पे रख के सिर्फ इसको क्रॉस में मुझे स्लाइड करना है। लेकिन उससे पहले मुझे इसको टाइटली पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पर हाथ से छूट जाता है बार बार, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लगा। तो इसको मैंने पकड़ लिया और अभी इसको इसमें से भी क्रॉस में स्लाइड करना है, जैसे कि क्रॉस में निकलता वैसे ही क्रॉस में स्लाइड करना है। अभी ये किसी से भी खुलेगा नहीं, तो ऐसा पजल था ये। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है लेकिन फिर भी ये बिना देख के सॉल्व करने में मज़ा आता है। और दूसरों लोग जो
आपके साथ कोई होगा उसको चैलेंज देने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना ही मुश्किल लगेगा। ऐसे एक एक अगर ऐसे क्रॉस ले अगर स्लाइड करेगा तो ही निकलेगा, इसे डायरेक्टली नहीं निकलेगा। तो आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सिर्फ स्लाइडली क्रॉस में स्लाइड करना है इस डायरेक्शन में और ये निकल जाएगा। तो इसकी कीमत जो थी 400 रुपये थी, लेकिन आपको और भी अलग अलग टाइप के पजल मिल जाएंगे क्यूब लेवल पे, जैसे कि ये देख रहे हैं आप बहुत सारे पिक्स है यहाँ पे, तो ये सभी टाइप के पजल्स क्यूब लेवल पे अवेलेबल है। ये लगभग जेम पजल सेम ही लग रही है, जैसे कि ये फुटबॉल पजल थी, इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना होगा। और भी बहुत सारे पजल्स है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो। दिखने में बहुत ही ईजी लगता है, जैसे कि इसमें देखें तो आपको सिर्फ 3 ही ब्लॉक दिख रहे होंगे, आपको लगता है कि डायरेक्टली निकल जाएंगे लेकिन नहीं निकलते। तो एक चैलेंजिंग पजल है आपका IQ बढ़ाने के लिए, 400 रुपये में सिर्फ मिलता है। और अगर आप ज़्यादा लेते हो तो 500 के ऊपर आप मेरा डिस्काउंट कोड गुरु भी यूज़ कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप भी खरीदिए और दूसरे लोगों को चैलेंज देके देखिए कि क्या वो लोग भी सॉल्व कर पाते कि नहीं। आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आपको लगभग 10 सेकंड में नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।